and girls, dear students, today's class on diagnostic characteristics of carp fry. डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे कार्प फ्राई के, हम उस पर रिसर्च करेंगे। हमने अभी तक देखा था कि सीड्स जितने भी हमारे पास मौजूद है उसमें थ्री कैटेगरी के बेसिकली हम लोगों ने सीड्स को देखा था। उसमें से आपका एक एग था, उसके बाद जब एग हैच करके स्पॉन बनाता है वो था, फिर वो फ्राई बनता है। फ्राई जो है वो आपको धीरे धीरे फ्राई से मतलब कि 7 डेज तक, हैचिंग के बाद 7 डेज तक आते आते जो है वो फ्राई जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, साइज में इंक्रीज करता है, और जब उसके बाद वो 14 मिलीमीटर साइज से 25 मिलीमीटर के साइज तक का जब रहता है तो वो साइज कहलाता है फ्राई। और ये फ्राई जो है आपके इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। यहाँ पर मैं फोटोग्राफ से आपको शो नहीं करूंगा क्योंकि अब जो है ये थोड़े इतने एडवांस हो चुके होते हैं कि आप इनमें जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो फिश का आपने देखा था, जो पहले हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको फिश का पढ़े होंगे कि उसमें सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, आई फिन्स और ये जिस तरह से वो बॉडी रहता है, उस बॉडी के किस पार्ट पे कौन सी चीज कहाँ पे है वो सिर्फ आपको मैं बताता चला जाऊंगा और वो कैरेक्टरिस्टिक आप उसको समझ के चले जाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको डिपेंड करवाएंगे, बताएंगे कि वो कौन सा क्लास का कौन फ्राई। और बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है कल्चर करने के लिए जो कल्चरेबल फिश होते हैं वो हमारे पास बेसिकली कार्प के ही हम कल्चर को करते हैं। बाकी और के कल्चर जो होते हैं, बाकी और के जो फ्राई होते हैं या उनके जो हम सीड्स लेते हैं वो नेचुरल कलेक्शन से लेते हैं। इसके जस्ट बाद आप लोगों का जब मैं क्लास में सेकेंड क्लास इसके बाद से क्लास में शुरू करूंगा वो आपका होगा ही वो पूरा का पूरा क्लास सीड कलेक्शन एंड सीड का ट्रांसपोर्टेशन, कैसे आप कलेक्ट करते हैं। तो हम सीड को पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सीड का कलेक्शन कैसे करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करने के क्या क्या मेथड होंगे और कैसे कलेक्शन करेंगे, कहाँ से करेंगे और उसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, कौन सा नेट यूज करेंगे, कौन से उसमें फिश गियर को यूज करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। बट अभी जब हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से उसको हम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली देख लीजिए क्या है, हमारे पास मेजली हमारे पास जो कार्प की वेराइटी है, इंडियन मेजर कार्प जो है हमारे पास, जितने भी मार्क मेजर कार्प है हमारे पास और माइनर कार्प है, उन सब के फिश के फ्राई में यानी कि जो 14 mm से 25 mm के बीच का जो साइज होगा उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पहचान कर आप उसको अलग अलग छांट सकते हैं कि हाँ ये किस फिश का फ्राई है और ये किस फिश का फ्राई है। तो जैसे आप बात करें कतला का, कतला को अगर हम लेते हैं तो कतला में उसके हेड जो होंगे वो लार्ज होंगे, मतलब बाकी और जो हम सीड्स के जो बाकी और वेराइटी को देखेंगे तो दूसरों की अपेक्षा पूरे बॉडी के कंपेरिजन में लार्ज और ये स्मॉल, ये सब क्या होता है, एक कंपेरेटिव टर्म है, दिस इज कंपेरेटिव टर्म, आप कंपेयर करते हो। आप आपके कहीं कहीं पे क्या हो सकता है कि हाथी भी है, अगर मैं बात करूं कि हाथी हम कहते हैं कि बहुत बड़ा है लेकिन एक व्हेल के सामने छोटा हो जाएगा, तो व्हेल के सामने वो छोटा हो जाएगा तो वहां भी क्या है, ये तो एक अगर बड़ी सी कोई कंपेयर चीज रख दी जाए तो उसके कंपेयर में ये छोटा हो जाता है। तो जैसे हम बाकी और से कंपेयर करेंगे किसी और डिफरेंट और जो वहां पे फ्राई होंगे उनके बॉडी स्ट्रक्चर और हेड के स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन में हम देखेंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर से इसके हेड जो होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं और वहां से बड़े होते हैं। और दूसरा इनका जो एक जो बहुत अच्छा डिस्टिंगजिंग कैरेक्टर होता है वो होता है जिनका डॉर्सल प्रोफाइल यानी इनका पीठ की साइड, पीछे से हम देखेंगे तो वो आपका कॉन्वेक्स होगा यानी कि ऐसे की मतलब कि जिसमें कि केव कॉन्वेक्स यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ होगा, और अगर हम डॉर्सल उसके पेट की तरफ देखेंगे तो वो कॉनकेव होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा यानी कि ऊपर ऐसे लगा अंदर और नीचे ऐसे धंसा हुआ। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक इससे भी हम पहचान जाएंगे कि ये किसका है, कतला का फिश का, कतला का फ्राई है। उसके बाद हम करेंगे कि कोई इसके पास कॉटल फिन पे सब पे कोई पेडंकल पे कोई डिस्टिंक्ट स्पॉट इसमें नहीं मिलता है। बाकी जैसे अगर हम बात करेंगे किसी और की बात तो वहां पे डिस्टिंक्ट स्पॉट मिलेंगे दूसरे वेराइटी में, बट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मार्जिन्स जो होगा इनका कॉटल फिन का या डॉर्सल फिन का वो डार्कर होगा। मार्जिन किसको कहेंगे, जो इंड पे मार्जिन एकदम बिल्कुल इंड पे वो डार्क होगा, मतलब अब यहाँ पर डार्कनेस, वहां पे क्रोमेटोफोर का जो है डिपोजिशन होना शुरू हो गया, वहां डार्कनेस आना शुरू हो चुका है। ट्रांसपेरेंट देखते होंगे आप मछली का जो छोटा सा फ्राई देखते होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, अगर उसमें कहीं पे डार्कनिंग आना शुरू होगा तो वहां क्लियरली आप देख पाते हो कि ये डार्क हो रहा है। उसके बाद बात करें तो इसका जो
फर्स्ट रे जो होता है डॉर्सल फिन का, डॉर्सल फिन यानी पीठ के ऊपर जो फिन होता है उसका जो पहला रे होता है जो इस तरह निकला रहता है वो डार्क हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और इससे आप पहचान, इससे भी आप एक बहुत बड़ी पहचान होती है। ये सब एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बता रहा हूँ आपका, क्या लार्ज हेड का हो जाना, डॉर्सल प्रोफाइल कॉन्वेक्स हो जाना और वेंट्रल प्रोफाइल कॉनकेव हो जाना, कोई भी स्पॉट उसका कहीं भी कॉर्डल पेडंकल के, कॉर्डल पेडंकल किसको कहते हैं आप लोग को अंदाजा होगा थोड़ा सा, पूछ जहाँ से स्टार्ट होता है उससे ठीक पहले जो आपका जो पूछ का थोड़ा सा पार्ट नीचे का रहता है जो कि पेट से जस्ट बाद और पूछ से ठीक पहले होता है जो सिलेंडर टाइप का, दैट इज कॉर्डल पेडंकल। उस जगह पे कोई स्पॉट दिख रही बाकी और मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, तो इस तरह से हम देख के ये बता सकते हैं। और यहाँ पर अभी इस स्टेज में जो है लिप जो है वो ठीक होगा लेकिन फ्रेजाइल नहीं, मतलब अलग अलग लिप जो है, जैसे कि आप कतला का मुंह देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ रहता है, वो फ्रेजाइल टाइप का लिप जो है वो नहीं दिख पाएगा, अभी क्लियरली नहीं हो पाएगा। और बाजूस के ऊपर जो है मुछ, जो बाजूस बाहर की ओर निकले रहते हैं मुछ टाइप के, वो टेंटिकल्स टाइप के बाजूस वो नहीं यहाँ पर दिखेंगे। अगर बात करें तो ये कतला कतला का कैरेक्टरिस्टिक्स था। अगर हम बात करें इसी के बाद लेबियो रोहिता, दैट मीन्स की रोहू, हमारे पास लेबियो रोहिता है। इसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ट्रांसवर्स बैंड जो है, डार्क डिफ्यूज ट्रांसवर्स बैंड जो है वो कॉडल पेडंकल पे मौजूद होगा। देखिए कॉडल पेडंकल पे डार्क कलर का बिल्कुल ही आपका ट्रांसवर्स, जो कि क्या करेगा, ट्रांसवर्स एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, मतलब एक एक साइड से एक लैटरल साइड से दूसरे लैटरल, मतलब इस तरह से पीछे पीछे यहाँ से पूछ लगा हुआ है तो यहाँ से लेकर शुरू होगा और इधर तक ट्रांसवर्स बैंड जो है वो बनाता हुआ आपका जो है वो प्रेजेंट होगा एक वहां पर डिफ्यूज टाइप का। उसके बाद हम करें बात करें तो इसमें और एक जो कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखेगा, अ पेयर ऑफ विटिस और लाइट ग्रेइश मैक्सिलरी बार्बल्स प्रेजेंट लिप फ्रिंज, क्या दिखेगा आपका, आपके क्लियरली यहाँ पर एक बार्ब्यूल्स जो है बाहर की ओर मूछ जैसा थोड़ा सा नाक के पास से नीचे आपके निकले हुए दिखते हैं। देखते होंगे रोहू में मूछ होता है, कतला में नहीं होता है, यही अंतर यहाँ पर, यही तो कतला का यहाँ पर यही के शुरुआत में बार्ब्यूल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही बार्ब्यूल्स दिखते हैं आप कह देते हैं हाँ ये रोहू की वैरायटी है, कतला नहीं हो सकता है, छोटे में भी, और बार्ब्यूल्स दिखते हैं। लिप फ्रेंजाइड लिप जो है वो ऊपर की ओर, मतलब कि वो देखते होंगे दोनों के मुख में अंतर देखिएगा, तो रोहू का मुंह जो होगा बिल्कुल अंदर की ओर ऐसे अंदर की घुसाता है, कतला का ओट जैसे ऐसे उठा रहता है उस तरह से उठा रहता है, तो ये दोनों अंतर हो जाते हैं, फ्रेजाइल होना और फ्रिंज होना और लिप का फ्रिंज ना होना। अब बात करते हैं, ये तो हमारे किसके रोहू के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, कहीं कहीं पे आप अपना नोट कीजिए, अदरवाइज आपके पास मैं ये नोट्स भेजूंगा भी तो नोट्स में आपके सारे चीज मिल जाएंगे आपके पास कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नोट्स भी आपके पास मिल जाएगा, अदरवाइज आप सीधे समझते चलिए कि क्या क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं कलवासु, लेबियो कलवासु, ये भी आपका एक मेजर कार्प है जिसको कि आप पहचानते किससे हैं, इनके अर्ली स्टेज जो होता है फ्राई का वो डार्कर कलर का होता है, अभी तक सबको हमने देखा वो सब में लाइट कलर होंगे, कहीं कहीं पे बैंड होकर ये पूरा का पूरा डार्क कलर का यानी ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा, और इसका सेमी लूनर येलो बैंड जो होंगे अपीयर्स ऑन द नेप एंड ग्रेजुअली द बॉडी गेट्स द अपीयरेंस ऑफ हैविंग अल्टरनेटिव येलो एंड ब्लैक बैंड्स, क्या दिखेगा, एक बैंड जो है ब्लैक कलर का, दूसरा बैंड येलो कलर का, फिर ब्लैक कलर का, फिर येलो कलर का, पूरे बॉडी पर दिखते चले जाते हैं जब ये छोटा होता है। कितने साइज का है, 14 mm से 25 mm के साइज का है, तो ये फ्राई उस समय। उसके बाद अगर बात करें इनका जो बेसल जो होता है पोर्सन यानी नीचे का पोर्सन फिन का, बेसल पोर्सन यानी फिन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से वो ब्लैक हो जाता है और ग्रेजुअली स्प्रेड ओवर द फिन, धीरे धीरे बढ़ता हुआ यानी कि शेड के रूप में, यहाँ से मतलब फिन ऐसे लगा हुआ है और यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ डार्क ब्लैक रहेगा और धीरे धीरे घटता 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 यहाँ तक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि शेड रहेगा ब्लैक से ज्यादा, ब्लैक से कम कम होते कम होते कम होते कम होते यहाँ तक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा, और इस तरह का अपीयरेंस अगर उसके फिन में दिख रहा है वो लेबियो कलवासु होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दो पेयर इसके पास ब्लैक बार्बल्स यानी मैक्सिलरी और रोस्टल, इसके दो पेयर बैग दी, आप देखिए रोहू में एक ही पेयर था, एक ही बार मतलब कि जो था एक पेयर था और यहाँ पे दो पेयर, लेबियो रोहिता और लेबियो कलवासु, इसमें बहुत बड़ा ये अंतर यही दिखता है कि दो बार्ब्यूल्स अगर मौजूद हैं पेयर में यानी दो पेयर यानी कि चार बार्ब्यूल्स दोनों साइड मिला के नॉस्टिल के ठीक नीचे मैक्सिलरी में, तो ये चार अगर हो जाते हैं तो वो कलवासु हो जाता है, अगर दो ही रहता है तो वो लेबियो रोहिता होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, माउथ इसका जो होता है
वो इसका लिप इसका फिर उसी की तरह रोहू की तरह ही फ्रिज्ड होगा, लेकिन लिप जो होगा माउथ इसका छोटा होगा, नैरो होगा। रोहू और कतला, कतला तो सबसे बड़ा, रोहू उससे थोड़ा छोटा, लेकिन इसका सबसे छोटा नैरो और बिल्कुल आगे की ओर पॉइंटेड रहता है थोड़ा सा। ये कलमासू का कैरेक्टरिस्टिक है। देन हम बात करें मिर्गल की, सेरिनस मिर्गल। ये मिर्गल जो है इसमें स्मॉल हेड होता है और बॉडी इसका सिलिंड्रिकल होता है। आप देख लीजिए बॉडी में इसके, अब कतला का बॉडी हमने देखा था क्या था, कॉन्वेक्स था, ऊपर से कॉन्वेक्स था, लेकिन रोहू में जो था वो बिल्कुल ही स्ट्रेट बॉडी, लेकिन यहाँ पर सिलिंड्रिकल बॉडी है, मतलब कि पूरा का पूरा राउंड टाइप का, एकदम सिलेंडर टाइप का, जो सिलेंडर होता है उस तरह का बॉडी होगा। और ये मोर और लेस ट्राइंगुलर टाइप का जो है हेड का इसका स्पॉट बनता है। और वहां पर बात करें तो ट्राइंगुलर डार्क स्पॉट, यानी तिरछे डार्क स्पॉट, यानी कि देखिए यहाँ पर ये पूंछ जैसे, ये पूंछ निकल के लग रहा है, और ये यहाँ पर ये इसका क्या है, कौन सा पार्ट है, पेडंकल पार्ट है। इस पेडंकल पे यहाँ पे, यानी ये पूंछ है, इसके रेज है, और ये जो पेडंकल है इस जगह पे इस तरह से तिरछे, मतलब यहाँ से ये इस जगह से, यहाँ से ये पूरा डार्क इतने दूर, और इधर से हल्का लाइट होता है, यानी ऐसे तिरछा। ये कैसा, एक यहाँ से एक बड़ा सा चौकोर, और इसके बाद यहाँ से नीचे की ओर ऐसे बढ़ता हुआ, तो ट्राइंगुलर टाइप का जो है आपका वो बैंड जो है वो कॉडल पेडंकल पे दिखते हैं। बार्बल्स, इसमें कोई भी बार्बल्स नहीं दिखता है। लिप जो होता है इसका थीन होता है, और कोई फ्रेजाइल नहीं, फ्रिंज थीन इसका लिप नहीं होता है। और उसके बाद हम बात करें कि इनके जो है आपके ये कॉडल फिन का, तो कॉडल फिन जो होते हैं इनके लार्जर, जब ये कुछ और बड़े हो जाते हैं, यानी कि एकदम इंड पे 25 एमएम के करीब करीब पहुंच चुके होते हैं, तो इनके कॉडल फिन के जो होते हैं उसका फॉर्मर है जेडिस सिंग, उनके ठीक पीछे के, मतलब कॉडल पेडंकल जहाँ पे इंड होता है और फिन शुरू होता है, जस्ट वहां पर रेडिश कलर का जो है चमकीला सा वहां पर दिखने लगता है, और बाद में इसके सारे जो है टिप जो होते हैं इंड पर वो व्हाइटिश होते हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर है, देखिए बिल्कुल ही अलग हो जाता है किससे, आपके कतला से भी, लोबियो रहुता से भी, और कलबासू से भी, और मिर्गल के ये सारे कैरेक्टर इसके बेसिस पे आप इसके कलबासू मिर्गल के भी आप जीनस को अलग अलग छाट लेते हैं। उसके बाद बात करें, एक माइनर कार्प है हमारे पास, जो माइनर कार्प इसमें मिलता है, जो हमारे हमारे लोकल फिश एरिया में भी बहुत मिलता है। ये है हमारा लेबियो गोनियस। बहुत लोग, हम लोग पता है, हम लोग जब फिश मार्केट में जाते हैं ना, तो हम लोग रियल में लेबियो रोहिता लेके नहीं आ पाते, बहुत समय रोहू हमें नहीं मिल पाता है, रोहू की ओरिजिनल वेराइटी नहीं मिल पाती है। यही लेबियो कलबासू, कभी लेबियो मिर्गल मिलते हैं, हमारे फ्रेंड मिर्गल मिलता है, कभी लेबियो बाटा मिलता है, तो कोई भी वेराइटी अभी मिलती है, लेकिन हम लोग उसको चूंकि लेबियो की है स्पेसिस होती है, हम लोग भी टेस्ट डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि ये लेबियो का कौन सी वेराइटी है। लेकिन अगर आज के बाद अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे और फिश मार्केट जाएंगे, तो आप क्लियरली बड़े होने के बाद भी यही सब कैरेक्टर करीब करीब परसिस्ट करते हैं, आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी वेराइटी है, आप बहुत आराम से पहचान सकते हैं। और इस ये आपके लिए प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, लॉकडाउन खुलने के बाद कभी आप फिश मार्केट विजिट कीजिए, और वहां पे सबके नहीं हो तो फोटोग्राफ्स ले लीजिए, क्योंकि वहां बैठ के तो आपको पहचान है, फोटोग्राफ्स ले लीजिए मार्केट से बहुत सारे वेराइटी के, और घर पे बैठ के उसको पहचानने की कोशिश कीजिए इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि ये कौन सा वेराइटी है। उससे क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा, कभी भी आप पहचान पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं लेबियो गोनियस की। लेबियो गोनियस जो होता है, इसका बॉडी जो होता है ये मार्क विथ नंबर ऑफ वेरी फेंट लॉन्गिट्यूडनल व्हाइट स्ट्रिप, लॉन्गिट्यूडनली यानी कि बॉडी के अलॉन्ग, बॉडी इस तरह से हमारा इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स रहेंगे मौजूद, बैंड स्ट्रिप्स मौजूद रहेंगे, किस तरह के व्हाइट, यानी व्हाइट होगा फिर ब्लैक होगा फिर व्हाइट होगा, फिर यानी उजले उजले धागे धारी जो होंगे ना पूरे पीछे की तरफ ये जाते हुए दिखेंगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा हम बात करेंगे इनका जो है डिस्टिंक्ट स्पॉट जो होता है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट रहता है कॉडल पेडंकल पे, एक कॉडल पेडंकल पे स्पॉट मौजूद रहता है, जो कि मतलब धारी दिख गया और स्पॉट, ये दो कम्बिनेशन दिख गया, आप समझ जाते हैं कि लेबियो गोनियस का है। इसका जो है मैक्सिलरी बार्ब्स जो होता है एक पेयर, यहाँ पर अगेन देखिए इसीलिए इससे कंफ्यूज आप करते हैं किससे, लेबियो रोहिता में भी वहां भी आपके पास एक ही पेयर बार्ब्स थे, यहाँ भी एक ही पेयर है, लेकिन वहां पे बॉडी पे बैंड नहीं आ रहे थे, यहाँ पे बैंड, तो जरा सा के अंतर से आप पहचानने में मुश्किल, सिर्फ बार्ब्स की विशेषता करेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्रॉपरली उसको चेक करेंगे, और दो तीन कैरेक्टरिस्टिक के कॉम्बिनेशन को जब आप देखते हैं तो आप उसको क्लियरिफाई हो पाते हैं कि हाँ ये कौन सा है और ये कौन सा नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके जो है इनमें जो है आपका
मैक्सिलरी बाल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, और जो बाल्ब्स होते हैं वो जो मैक्सिलरी बाल्ब्स होता है उसके मैक्सिलरी बाल्ब्स बिल्कुल नीचे अपने माउथ के जस्ट नीचे निकलता है इस जगह पे। और उसके बाद करें लिप, इसका फिर से लिप फ्रिंज्ड है जस्ट लाइक आपके किसके तरह लेबियोरहिता की तरह, और माउथ इसका लेकिन नैरो है थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम ज्यादा बहुत कम कैरेक्टर से ये अलग होता है। इसी वजह से मार्केट में, फिश मार्केट में हमें जो है ना, जो हमारे लोकल जो मार्केट वाले होते हैं वो रोहू के नाम पे ही इसे भी बेच देते हैं और हम लोग भी लेके चले आते हैं, और टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता क्योंकि स्पेसीज बहुत और मोर ऑर लेस सिमिलर होता है। अब बात करें एक और हमारे पास जो हमारे लोकल कैचमेंट में, और आपके जान जाइए कि ये आपके सारण में या हमारे वैशाली में भी, और इस साइड में जो हम लोग रिवर गंडक के साइड में और गंगा के किनारे इस जगह पे एक और स्पेसीज जो हमारे पास बहुत अच्छे से मिलता है, दैट इज लेबियो बाटा। लेबियो बाटा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर इनके जो कॉडल पेडंकल पे या कॉडल स्पॉट होंगे वो लेस सेमी सर्कुलर, वो साइड के ब्राइट कलर के बिल्कुल चमकीला तरह का होगा, जो भी स्पॉट होगा वो चमकेगा उस जगह पे, और सेमी सर्कुलर यानी आधा सर्कुलर होगा, आधे चांद की तरह वो जो है शेप में कॉडल पेडंकल पे वो दिखता है इसके। और वो जैसे ही वो स्पॉट दिखा वो सिर्फ और सिर्फ इसी वेराइटी में मिलता है, इसीलिए उसके आप सीधे पहचान सकते हैं कि ये लेबियो बाटा है। उसके अलावा हम बात करें कि ये स्पॉट जो होता है ये मोर और लेस जो है सर्कुलर होते चला जाता है आउटलाइन की तरफ, बाहर की तरफ, यानी कि डार्क साइड का ये गोला मान लीजिए उसके पेडंकल पे है, और एक साइड से ये डार्क होना शुरू होता है, दूसरे साइड जहां पे ये गोला खत्म होगा उस साइड जाते जाते ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का होते हो जाता है, जिसके कारण वो कैसा दिखता है कि आधा ही है और आधा के बाद, जैसे चांद ही आपका क्या होता है, आप चांद का गोल देखते हो लेकिन जब वो शेड में आना लगता है तो कटा हुआ सा दिखने लगता है, लेकिन वो तो रहता तो पूरा ही है, जस्ट उसी तरह से ये सेमी सर्कुलर टाइप के आपके दिखने शुरू हो जाते हैं। और इनका लिप्स जो होगा इनमें कोई बार्बल्स नहीं मिलेगा, बार्बल्स बिल्कुल ही नहीं मिलेगा दोनों की तरह, ना आपके लेबियो गोनियस की तरह ना लेबियो रोहिता की तरह, लेकिन ना लेबियो कलबासु की तरह, लेकिन यहाँ लेबियो बाटा में आपके लिप्स जो होंगे वो फ्रिंज भी नहीं होंगे, वहां पे फ्रिंज थे। अब बात करते हैं एक और वेराइटी हमारे पास है लेबियो पेंगुइशिया। लेबियो पेंगुइशिया जो है ये बेसिकली आपके झारखंड रीजन में या दामोदर रिवर साइड में और उस साइड में बहुत ज्यादा मिलते हैं, उस साइड के रीजन में इस साइड के हमारे पास इसका जो है लेबियो पेंगुइशिया ये उस साइड नहीं मिलता। अगर हम बात करें तो इसके जो होते हैं इसके भी डार्क बैंड जो होते हैं बैंड टाइप के, वो पैडल इसके कॉडल पेडंकल पे मौजूद होते हैं, और इनका लिप जो होता है वो फ्रिंज्ड होता है इनके भी। उसके बाद अगर हम बात करें कि बार्बल्स, दो पेयर बार्ब्स प्रेजेंट होंगे किसकी तरह, कलबासु की तरह, लेबियो कलबासु की तरह यहाँ भी दो पेयर होता है। उसके अलावा हम बात करें तो ये अलग अलग स्टेज में जो है पेंगुइशिया बहुत कुछ, इसको कहा जाता है कि ये जो लेबियो पेंगुइशिया होता है ये रोहिता से बहुत कुछ मैच करता है, उसके साथ थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। क्या अंतर होता है देख लीजिए कि माउथ जो होता है मोर वेंट्रली प्लेस्ड होता है देन रोहू। रोहू का जो होगा ना वो आगे की ओर से मतलब कि ऊपर के बाहर की ओर दिखता है, लेकिन इसके और नीचे की ओर होंगे, नीचे की तरफ पेट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं इनके माउथ, यही अंतर होता है इनके दोनों में। यानी कि इस तरह से हमारी मछली है, और अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे मछली है तो इसका माउथ अगर यहाँ पे है तो लेबियो इसका क्या कहते हैं पेंगुइशिया का और नीचे होगा, यहाँ से नीचे होकर यहाँ चला जाएगा और नीचे की ओर वेंट्रल साइड में वो माउथ उसका शिफ्ट कर दिया हुआ रहता है। एक डिफरेंट होता है अपने किसमें, रोहू से और इसके आपके लेबियो पेंगुइशिया में। उसके बाद जो है इसके माउथ जो होते हैं मोर आर्क होते हैं, माउथ में ज्यादा जो है ना इसके आर्क मौजूद रहते हैं, यानी कि तिरछापन जो होता है घुमाओ, ये जो माउथ का ये हमारा क्या ये दिस आर्क, अगर ये कम हो और ये ज्यादा हो तो ये आर्क ज्यादा रहेगा, यानी कि फैला हुआ ज्यादा रहेगा इसके माउथ। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि वेंट्रल साइड से अगर हम देखें तो रस्टल बार्ब्स जो होता है वो लुक लाइक अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, इनके जो होते हैं ना हॉर्न्स यानी कि सिंह की तरह वेंट्रल रोस्टल बार्ब्स बाहर की ओर निकले रहते हैं, लगता है जैसे सिंह निकला हुआ है इनके, इनके बार्ब्स जो होते हैं हॉर्न्स की तरह दिखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेबियो पेंगुइशिया का है जो कि लेबियो रोहिता से इसको अलग करता है, बट मोर और लेस लेबियो पेंगुइशिया और लेबियो रोहिता वो मोर और लेस बहुत कुछ सिमिलर ही होते हैं, लेकिन थोड़े अंतर हैं जो कि आपने यहाँ देखा। अब बात करते हैं एक और वेराइटी हमारे पास जो कि माइनर कार्प है, और बहुत बहुत हमारे जो है ना जो पॉन्ड्स हैं हमारे दूर दराज के एरिया में और जो कि बहुत दूर है रिवर से, उन सब जगहों पर ये बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। इनका नाम है लोबियो कॉन्टियस। लोबियो कॉन्टियस जो होता है ये इसके भी डॉर्सल फिन जो होते हैं, इनके डॉर्सल फिन यानी पीठ के ऊपर जो फिन लगा हुआ रहता है डॉर्सल फिन, वो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड रहता है। किस तरह से 3/13 यानी तीन पार्ट में वो दिखेंगे और हर पार्ट में 13-13 रेज होंगे।
तीन पार्ट में डिवाइडेड, यानी ऐसे फिन ऐसे तीन पार्ट में, और हर पार्ट में 13-13 बार डिवाइडेड रहेगा वो, यानी कि ये कितने पार्ट हो गए, तीन से दो पार्ट में डिवाइडेड हुए। अब ये तीन पार्ट में, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और ये डोर्सल फिन इसमें भी 13 पार्ट में डिवाइडेड, फिर इसमें भी 13 पार्ट, और फिर इसमें भी, ये आप कैलकुलेट आप गिनती से करते हो माइक्रोस्कोप से, और तब ये जान पाते हो कि ये दिस वैरायटी इज यूकेरियोटिक, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें इनके क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद होते हैं, और इनके कहाँ पे, रोस्ट्रम ऑफ हेड पे, जिसके कारण इनके सर के जो पोर्शन होते हैं वो पूरा डार्क ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि क्रोमेटोफोर ज्यादा है, क्रोमेटोफोर्स कलर को क्लियर करता है, तो बहुत ज्यादा कलर रखेगा तो वहां डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसमें कि इनके पास भी चार बार्ब्स मौजूद होते हैं, चार बार्ब्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, बार्ब्स जो होते हैं चार चार इनके ऊपर होते हैं, और इनका जो है इनका इसको डिस्टिंग्विश आप लेबियो हिम्ब्रिटस से कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करके लेटरल बैंड के साथ, विच इज बैंड, जो कि लेटरल बैंड इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि साइड से, दोनों साइड से बैंड्स मौजूद रहते हैं, वो आपका जो नेक्स्ट वेराइटी आप हम लोग पढ़ेंगे लेबियो हिम्ब्रिटस, उससे ये डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। बट यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ही बाकी और चीजों में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिख रहा है, तो वो आपका लेबियो कॉन्टियस होगा। अब बात करते हैं लेबियो हिम्ब्रिटस, ये भी एक माइनर कार्प है, अगर इनकी बात करें इस माइनर कार्प की, तो इस माइनर कार्प में जो हेड होता है वो स्मॉल होता है और माउथ टर्मिनल होता है, दैट मीन्स की एक टर्मिनल इंड पे, कोई वेंट्रल नहीं, नीचे की ओर नहीं, सीधे एक टर्मिनल पे इंड पे, जैसे ऐसे है इस साइड माउथ है, तो बिल्कुल यहाँ पर टर्मिनल पे एकदम इंड पे माउथ एकदम मौजूद रहेगा इनका, और ये माउथ इस तरह से टर्मिनल रहता है, इसकी ऑल द लाइंस आर पार्टिकली फॉर्म्ड, इनके जितने लाइंस जो हैं, यानी कि क्या लेटरल लाइन सिस्टम, जो धारियां दिखती हैं वो सभी के सभी बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लियरली दिखते रहते हैं, ठीक है। जितेंद्र नींद आ रही है, कॉन्सिपियस कॉडल जो स्पॉट्स होते हैं आपके, वो कॉडल स्पॉट्स कॉन्सिपियसली यानी कि कम अमाउंट में मौजूद रहेंगे, थोड़े थोड़े स्पॉट्स जो हैं बिल्कुल लाइट कलर के धब्बे के रूप में दिखते रहेंगे। उसके अलावा हम बात करें कि ये लोबियो कॉटियस से, जिस टेस्ट पहले हमने देखा लोबियो रोहिता से, इसको लैटरल बैंड ही इसको अलग करता है, यहाँ पे इसके साथ लैटरल बैंड क्लियरली नजर आता है, आपने देखा उसी चीज को कि कॉटियस में भी लैटरल बैंड था, उसके अलावा आपके जो है रोहिता में भी लैटरल बैंड थे, कलवासु में भी लैटरल बैंड थे, लेकिन यहाँ पे ये लैटरल बैंड नहीं मिलेंगे। उसके अलावा हम बात करें ये कतला से कैसे अलग होता है, तो इसका जो होता है यंग वन वो कतला से बहुत ज्यादा मैच करता है, कतला की तरह ही दिखता है, लेकिन याद कीजिए कतला में बहुत बड़ा हेड था, इसका हेड छोटा है, और इसी से हम लोग उसके बाकी और पार्ट के अलावा इसको हम लोग अलग पर पाते हैं कि ये कतला से अलग इसका फ्राई है ये। और भी बात करें अगर हम इसके, तो इसके जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डार्क पिगमेंट होते हैं इसके डॉर्सल फिन पे, इसके डॉर्सल फिन पे एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इनके जो कॉडल फिन्स होते हैं उस पे जो है कॉन्सिपियस स्पॉट होंगे, यानी कि वो धब्बा नुमा स्पॉट होंगे, यानी कि क्लियरली स्पॉट्स दिखेंगे, बिल्कुल डार्क कलर के ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे आपके डॉर्सल फिन्स पे। बट अगर हम बात करें कि उसके कॉडल फिन पे, तो कॉडल स्पॉट जो होगा बिल्कुल छोटा छोटा सा धब्बा धब्बा लाइक जो है, और बिल्कुल हल्का हल्का सा वो दिखेगा। अब हम बात करें लेबियो अंगारा की, लेबियो अंगारा जो होता है ये भी एक वेराइटी है जो कि हमारे पास, और ये मिक्स में कहीं भी मिल जाता है जनरली, और मिक्स टाइप के कल्चर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसके अगर हम बात करें तो ये पेल येलो कलर का आपके मार्केट में बहुत बार दिखता है, आप कहते हैं ये रोहू है क्या ये, वो कहता है कि हाँ हाँ ये गोल्डन कार्प टाइप का है, दैट इज नॉट अ गोल्डन कार्प, ये आपका लेबियो अंगारा ही मिलता है उस जगह पे। गोल्डन कार्प की जो होती है वेराइटी, वो जो होती है वो आपका एक्जोटिक स्पीसीज है, जिसको कि आप बाद में लाते हो कहीं पर, उसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमारा ये नेचुरल, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरेबल ये फीस है हमारे यहाँ के लोकल, इसलिए ये यहाँ पर, तो इसके बिल्कुल ही पेल येलो कलर के, बिल्कुल ही पीला रंग का येलो कलर का जो है वो लाइट येलो कलर का वो दिखता है, और मोर और लेस ओवल शेप्ड डार्क स्पॉट इनके कॉडल पेडंकल पे, ओवल शेप्ड के डार्क स्पॉट्स इनके कॉडल पेडंकल पे क्लियरली डिस्टिंक्ट रहते हैं, और ये आपके जो ओवल शेप्ड स्पॉट्स होते हैं इनको बाकी सबसे अलग करते हैं, क्योंकि कहीं पे आप स्फेरिकल देख रहे थे, कहीं पे ट्रायंगुलर देख रहे थे, लेकिन ये ओवल शेप्ड टाइप के जो होंगे ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मौजूद होंगे। अब बात करते हैं कि इनके जो है आप इस स्पेसीज का जो होता है, बाकी कलवासु से भी अलग होता है ये, और अंगारा जो है वो रिजेंबल करता है बेसिकली कलवासु से, लेकिन थोड़ा अलग होता है किस मामले में, इनके जो होते हैं डार्क लैटरल बैंड्स मौजूद होते हैं और नॉन पिगमेंटेड बार्बल्स मौजूद होते हैं। याद रखिएगा इनके बार्बल्स जो बाहर से निकलते होते हैं वो बिल्कुल व्हाइट टाइप के, ट्रांसपेरेंट टाइप के दिखेंगे, लेकिन कलवासु में जो बार्बल्स निकलेगा वो डार्क ब्लैक कलर का बार्बल्स दिखेगा।
तो दोनों में अंतर कैलवासू से बहुत कुछ मिलता जुलता होगा, लेकिन वहां से ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके बार्बल्स के कैरेक्टर पे। और इनके पास ब्लैक पिगमेंट जो होते हैं इनके स्किन पे कहीं भी मौजूद नहीं होते हैं, सारे के सारे पिगमेंट हुआ व्हाइटिश कलर का वो उनका स्किन दिखता है। तो ये बेसिकली इतने वेराइटी के आपके पास जो है सारे के सारे फिश फ्राई के डिफरेंट कल्चरेबल जो हमारे कार्प थे उनके जो फ्राई होंगे जो कि आपके 14 mm से 25 mm के बीच के होंगे, उनके ये डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स सारे थे। और याद रखिएगा किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप किसी को अलग नहीं कर सकते, कहे कि बहुत सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आप यूज करते हैं, दो तीन कैरेक्टर्स ऐसे स्पॉट करते हैं जिसको कि वो उस वैरायटी को स्पेसिफाई करता है। और याद रखेंगे कि जो जिसके साथ मैच करता है उससे आपका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, जैसे कलवासू या फिर रोहू या फिर आपका कोंटियस या फिर आपका नीचे अंगारा, ये सब एक दूसरे के साथ तो दोनों में क्या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर से कौन से कैरेक्टर से अलग हो रहे हैं, बैंड्स अलग हो रहा है, कॉडल पेनंकल पे स्पॉट अलग हो रहा है, फील पे आपके क्रोमेटोफोर्स जो है उसके स्पॉट वो कंसिस्टियस है या डार्क स्पॉट्स हैं उससे अलग हो रहा है, किस बेसिस पे हम उनको अलग करते हुए चले जाते हैं। और जब हम अलग कर लेते हैं तो फिश फ्राई हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये क्लास जिसमें कि हमने फिश फ्राई के आइडेंटिफिकेशन के ऑल एस्पेक्ट्स को, हमने अभी तक एग के देखा था एस्पेक्ट्स को जिसमें कि आप अलग अलग कलर के वेराइटी पे उनके साथ अटैच जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उनका शेप के बेसिस पे उन सब चीजों को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने लार्वल स्ट्रक्चर जो थे 72 आवर्स आपके वो हैचिंग से लेकर 7 दिन तक स्टेज में वो कितने कौन कौन से डिफ्रेंशिएटेड होंगे वो चीज हम लोगों ने देखा था इससे पहले के क्लास में। और आज के क्लास में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया है फ्राई के साइज का आ गया है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक वो डेवलप कर जाते हैं उसको हमने देखा। अब इसके बाद जो होते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो फिश के जनरल कैरेक्टर होते हैं वो उनमें पूरे के पूरे डेवलप कर जाते हैं, और नॉर्मल फिश के कैरेक्टर्स जो जिससे अपनी फिश की अपनी वैरायटी की जो अपने अपना है वो डेवलप कर जाता है, यानी कि जो बड़े हमारा एडवांस फिंगरलिंग्स होगा या ईयरलिंग्स होगा उसमें उस मछली के वो सारे कैरेक्टर होंगे जिसमें एडल्ट में आ जाते हैं, तो उससे आप देख के आप इजिली पहचान जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो फिश फ्राई का यानी हमारे सीड का जो आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड थे, बेसिकली हम मेथड क्या कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को छांटकर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को उसको हम लोग मैच करवाने के बाद हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि हाँ दिस इज द फिश सीड ऑफ दिस स्पीसीज एंड दिस इज द फिश स्पीसीज ऑफ दिस स्पीसीज। अब जब आप इसको कर लेते हैं तो आप इसके आइडेंटिफिकेशन को करते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन से पहले हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वो होता है हमारा कलेक्शन का, कलेक्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कलेक्ट सीड, कलेक्शन कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा कलेक्शन का, कहां से कलेक्ट करेंगे, एरिया क्या सिलेक्ट करेंगे, रिवर के किस जोन से सिलेक्ट करेंगे, पॉन्ड में कहाँ पे उसका हम ये करेंगे, उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं फिर उसको जो है अलग अलग करने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिफिकेशन हम लोग जो है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे।